तो फर्स्ट वन लेट स्टार्ट फर्स्ट वन ए को ले लेते हैं माइनस वन माइनस टू बी को ले लेते हैं वन जीरो सी को माइनस वन एंड टू और डी को ले लेते हैं हम माइनस थ्री और जीरो सो लेट अस फाइंड अ डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल सारी डिस्टेंस निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी एंड वी नो द फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला हमें मालूम ही है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर वैल्यू पिटअप कर देते हैं सो व्हाट आर वैल्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एन माइनस माइनस प्लस प्लस जीरो प्लस टू टू का स्क्वायर मीन्स कितना फोर प्लस फोर फोर प्लस फोर कितना हो गया हमारा एट और एट का रूट कितना होता है टू रूट टू ये ए बी आ गया इसी तरह सिमिलरली फाइन बी सी सो लेट्स bc. So, let's find BC. सो बीसीक्ल्स टू अंडर रूट ऑफ बी सी देखो माइनस वन माइनस वन तो माइनस टू का स्क्वायर एंड टू माइनस जीरो टू का स्क्वायर मीन्स कितना आया फोर प्लस फोर अगेन एट यानी वापस कितना आया हमारा टू रूट टू अब सी डी निकाल लेते हैं तो सी डी भी निकालते हैं इसी तरह से तो सी डी भी आ जाएगा सी डी किस निकालेंगे माइनस थ्री प्लस वन मतलब माइनस टू का स्क्वायर और जीरो माइनस टू माइनस टू का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है टू का स्क्वायर फोर फोर प्लस फोर कितना हुआ एट और एट का रूट कितना टू रूट टू आ गया वापस हमारे पास अब नेक्स्ट है एडी एडी भी निकाल लेते हैं लेट्स फाइंड एडी तो एडी निकालना है हमें तो डी और ए को देख लो माइनस थ्री प्लस वन तो माइनस टू का स्क्वायर और जीरो माइनस माइनस टू तो प्लस टू का स्क्वायर मीन्स वापस कितना गया टू रूट टू सो ऑल साइड अब डायगनल भी निकालने सारी साइड आ गई है तो चेक करना है स्क्वायर है कि नहीं है तो ए सी निकालना पड़ेगा ए सी अंडर रूट ऑफ माइनस वन माइनस वन तो हो गया वाइनस वन में समीरो का स्क्वायर और माइनस टू माइनस टू माइनस फोर का स्क्वायर यानी 16 का रूट और सिक्सटीन का रूट कितना हो गया फोर हो गया अब हम निकालते हैं बी डी तो बी डी निकाल लेते हैं बी और डी के डिस्टेंस निकालेंगे माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर का स्क्वायर और जीरो माइनस जीरो जीरो का स्क्वायर मीन्स फोर का स्क्वायर वापस कितना कि आ गया सिक्सटीन आ गया मीन्स फोर हो गया सो सी ऑल साइड्स इक्वल सारी तो साइड्स इक्वल है बोथ डायगेल्स ऑल्सो इक्वल सारी साइड्स इक्वल है डायगेल्स भी इक्वल है सो इट इज ए स्क्वायर इट इज ए स्क्वायर बन गया क्योंकि बो ऑल साइड्स आर इक्वल है और बहुत डायगोनल्स इक्वल है अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट लेट्स डू द सेकेंड पार्ट सो सेकंड पार्ट क्या है हमारा ए है हम ले लेते हैं माइनस थ्री फाइव बी है थ्री वन सी है जीरो थ्री और डी की वैल्यू है माइनस वन माइनस फोर सो अगेन वी टू फाइंड आउट ऑल द डिस्टेंस हमें सारी डिस्टेंस निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेते हैं ए बी तो ए बी कितनी हो जाएगी सिंपल आपको एक्स से एक्स माइनस करना है वाई से वाई माइनस करना है तो थ्री माइनस माइनस तो प्लस थ्री प्लस थ्री सिक्स और वन में से फाइव गए माइनस फोर माइनस फोर का, का स्क्वायर यानी कितना आया सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और इनको हम ऐड कर दें तो कितना आएगा हमारे पास फिफ्टी टू का रूट और फिफ्टी टू में से अगर निकालते हैं तो टू बाहर आ जाएगा टू रूट थर्टीन टू टू जो थर्टीन फोर जिफ्टी टू तो ये ए बी आ गया अब इसी तरह से हम बी सी निकाल लेते हैं सो बी सी बीओ सी की डिस्टेंस थ्री में से जीरो गए थ्री का स्क्वायर और वन में से थ्री गए माइनस टू का स्क्वायर सो so कितना आया हमारे पास थ्री का स्क्वायर नाइन और टू का स्क्वायर फोर नाइन प्लस फोर थर्टीन तो रूट थर्टीन आ गया अब हम निकालते हैं सी डी तो सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे जीरो में से वन गए मीन्स प्लस वन हो गया वन का स्क्वायर और थ्री प्लस फोर सेवन का स्क्वायर हो गया मीन्स कितना आया वन प्लस फोर्टी नाइन यानी कितना है रूट फिफ्टी आ गया फिफ्टी को रूट से बाहर निकालेंगे तो फाइव बाहर आ जाएगा फाइव रूट टू फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टू से फिफ्टी अब निकालते हैं लास्ट ए डी भी निकाल लेते हैं सो so, ए डी कितना आएगा माइनस वन प्लस थ्री यानी टू का स्क्वायर और माइनस फोर माइनस फाइव माइनस नाइन का स्क्वायर यानी कितना टू का स्क्वायर फोर और नाइन का स्क्वायर एटी वन एटी वन फोर कितना सो ऑल साइड्स आर डिफरेंट सारी साइड डिफरेंट आ रही है सो दिस इज नॉट ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वारेटर कोई टाइप नहीं बन रही सिंपल सिंपल क्वारिलेटर बन रहा है नॉट ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वार

तो अस अगेन फाइंड ऑल द डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी बी सी सी डी ए डी सब निकालते हैं पहले ए बी निकाल लेते हैं ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेवन माइनस फोर थ्री थ्री का स्क्वायर और सिक्स माइनस फाइव वन का स्क्वायर तो थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन प्लस वन कितना हो गया टेन रूट टेन आ गया अब निकालते हैं हम बी सी तो बी सी निकाल लेते हैं हम तो बी सी कितना आएगा फोर माइनस सेवन माइनस थ्री का स्क्वायर और ये आया थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री का स्क्वायर मीन्स कितनी आ गया थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन प्लस नाइन एटीन एटीन का रूट निकालो थ्री रूट टू ये हो गए हमारी बी सी नेक्स्ट विल फाइंड सी डी सी डी निकाल लेते हैं सी डी कितना आएगा हमारे पास फोर माइनस वन फोर में से वन गए कितना हुआ थ्री तो विल राइट थ्री का स्क्वायर और थ्री माइनस टू वन का स्क्वायर तो कितना हुआ थ्री प्लस का स्क्वायर नाइन नाइन प्लस वन टेन रूट टेन आ गया नाउ कम्स बी सी हो गया सी डी हो गया लास्ट कम हुआ एडी लेते हैं अब ए डी है फोर में से वन गए थ्री का स्क्वायर और टू में से फाइव गए माइनस थ्री का स्क्वायर तो थ्री का स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन प्लस नाइन एटीन एटीन का रूट कितना आएगा हमने भी निकाला था थ्री रूट टू अब ये टू साइड्स इक्वल आ रही है ए बी और सी डी इक्वल आ रहा है और बीसी और एडी इक्वल आ रहा है तो अपोजिट साइड्स तो क्या हो गई इक्वल हो गई तो पैरलोग्राम हो जाएगा मगर अभी हमको ए सी और बी डी चेक करना है कि रेक्टेंगल है कि नहीं क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है कि डायगनस इक्वल होते हैं तो अब हम निकालते हैं ए सी और बी डी निकालते हैं तो ए सी निकालते हैं डायगनंस निकालने हैं हमें ए सी तो ए और सी की डिस्टेंस निकालते हैं फोर माइनस फोर जीरो का स्क्वायर प्लस और थ्री माइनस फाइव माइनस टू का स्क्वायर कितना फोर तो फोर का रूट कितना आएगा टू आ गया अब हम बीडी निकाल लेते हैं लास्ट तो उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा क्या आने वाला है ये तो बी डी बीडी देख लेते हैं बी डी की डिस्टेंस सेवन में से वन गए सिक्स सिक्स का स्क्वायर और ये आया हमारा सिक्स में से टू गए फोर फोर का स्क्वायर ये कितना आया थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन थर्टी सिक्स और सिक्सटीन कितना हो गया थर्टी सिक्स और सिक्सटीन को ऐड कर लेते हैं तो आया हमारे पास फिफ्टी टू तो ये इक्वल नहीं आ रहे सो ए सी बी डी इक्वल नहीं आ रहे तो रेक्टेंगल नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए ये देर फोर वी कैन राइट तो हम यहाँ लिख देते हैं वी आर नॉट स्पेस तो हम यहाँ लिखते हैं इट इज ए पैराललोग्राम ये क्या हो गया एक पेरालोग्राम बन गया और शॉर्ट फॉर्म इलेवन ग्राम भी ले सकते हैं सो इट इज ए पेलेलोग्राम बिकॉज टू साइड हमारी रूट टेन रूट टेन और टू साइड्स अगेन थ्री रूट टू थ्री रूट टू आ रही है मीन्स अपोजिट साइड इक्वल होती है तो पेरेलोग्राम कहलाता है और डायगनल इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इट इज नॉट ए रेक्टेंगल सो इट इज ए पेरेलोग्राम सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन ऑल थ्री पार्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीडियो